हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द भुक्कड़स एंड घुमक्कड़स। और आज हम निकल चुके हैं नाइट आउट के लिए। हमने आपको दिन के बहुत शूट दिखा लिए, अब हम अपना सिटी टूर पे निकले हैं। और हम आपको आज एक बहुत अहम जानकारी देने के लिए निकले हैं, वो ये कि अगर आप कानपुर शहर के अंदर रात में कहीं पर भी आए हैं या गुजर रहे हैं और आपको भूख लगी है, क्योंकि आपको पता है कि हम भुक्कड़ भी और घुमक्कड़ भी हैं, तो आज हम आपको घूम घूम के दिखाएंगे कि आप अपनी भूख कहाँ कहाँ मिटा सकते हो। तो हम खड़े हुए हैं कानपुर सेंट्रल के फ्रंट एरिया में और हमारी टीम हमारे साथ है। और आतिफ साहब, आज क्या कुछ ऐसा नया क्या करने वाले हैं हम लोग? आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली खाने को लेकर इतना वो नहीं है कि आप सोचें इसमें खाना दिखाएंगे या कुछ। आज हमारा मामला ही दूसरा, आज हम लोग निकले हुए हैं कानपुर को एक्सप्लोर कराने के लिए। कानपुर में कौन सी जगह है, कहाँ क्या मिलता है रात बिरात, आपको लेट नाइट 12 के बाद अगर भूख लगती है तो आप कहाँ जा सकते हो, कहाँ क्या खा सकते हो, कहाँ अच्छी चीज़ मिलती है, तो ये इन सब चीज़ों के लिए आज हम लोग बेसिकली निकले हुए। इस वीडियो में खाने का इतना वो नहीं रहेगा, आप पहले से अपना मन बना के ना देखना कि हमारी वीडियो आ रही है तो कोई अच्छा रेस्टोरेंट या कहीं हम लोग खाना खाने गए। आज खाने का मूड नहीं है, आज आपको एक्सप्लोर कराना है अपना शहर हम लोगों को। और हम आपको सिर्फ खाना ही नहीं और भी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं, जो रात में हमें नीड होती है और हमें वो चीज़ें कहाँ मिलेंगी, जैसे कि मेडिसिन हो गई और ATMs हो गए, बहुत सारी चीज़ें आप हमारी वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि आपकी ज़रूरतें कहाँ पे पूरी हो सकती हैं। क्यों काशिफ साहब? जी बिल्कुल, और चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, द भुक्कड़स एंड घुमक्कड़ रहेगा उसका हमेशा साथ। सही है, आकाशी भाई का और हमारा साथ आपके साथ बना रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए रहिएगा और हम आपको आगे और भी चीज़ें दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको अपनी नाइट का मज़ा, हम लोग ऐसे भी निकलते हैं रात में अक्सर, हम आपको वो अड्डे भी दिखाएंगे जहां हम लोग रात में अक्सर आते हैं। और हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे ये जानते हैं कि हम लोग रात में कहाँ कहाँ जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड हमारा गल्ला मंडी है और हम यहाँ से राइट टर्न लिए हैं क्योंकि हमें जाना है घंटाघर चौराहा। क्या टाइम हो रहा है? 1:00 हो रहा है, फिर भी रोडों पे वाहन आ रहे जा रहे हैं। हमारे काशिफ भाई नींद में सो रहे थे, इनको उठा लिया गया है, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। ठंड बहुत है, आराम से। घंटाघर चौराहा आ गया है। रात में आप यहाँ पर अगर स्टेशन के घंटाघर चौराहे से गुजर रहे हैं, स्टेशन के बैक साइड एरिया से, तो आप यहाँ पर रुककर खाना खा सकते हैं। आपने देखे काफी रेस्टोरेंट ओपन है और सब जगह तंदूर चढ़ा हुआ है और अलग अलग जायके अलग अलग किचन में मिल सकते हैं। और भुक्कड़ घुमक्कड़ देखिए कैसे घूर रहे हैं। भूख लगी है क्या? अब मैंने ड्राइविंग सीट छोड़ दी अपनी और मैं पीछे आके बैठ गया हूँ। हमारे कामिल भाई रात के सहायक मददगार हमारे, जो हैंडल संभाल लिए हमारी स्कूटी का। और हम लोग अब ये देखिए स्टेशन का बैक साइड का एरिया, हमने आपको दिन में दिखाया था, अब हम आपको रात दिखा रहे हैं। देखिए मार्केट ओपन है, यहाँ पर सभी जरूरत के सामान मिल रहे हैं आपको, रात में कुछ भी लेना है जैसे अर्जेंट में। और देखिए रात का खुशगवार माहौल किस तरह से रोशनी ही रोशनी है, मगर पैसेंजर नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि लॉकडाउन और कोरोना की जो मार रही है उसकी वजह से। देखिए कितना सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हमारा कानपुर शहर का सेंट्रल स्टेशन, ये स्टेशन की बाहर दुकानें भी, मैंने आपको रेस्टोरेंट दिखाई दिए, छोटे छोटे छपरी वाले लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे चाय होटल भी है। देखिए छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं यहाँ पे, रात भर चाय मिलती रहती है, आप अगर स्टेशन पे हो आसपास तो यहाँ पर आते और अपना चाय वगैरह रिफ्रेशमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे आगे ताजमहल चौराहे के लिए। ये रास्ता जो दिख रहा है, ये रास्ते से हम आए थे और यहाँ से राइट टर्न करोगे, ये जो सीधा आपको रास्ता हम दिखा रहे हैं ये सीधा ताजमहल के लिए जाएगा। चलिए पार्टनर।
अगर आप यहाँ से दिन में गुजरेंगे तो काफी भीड़भाड़ वाले एरिया हैं, यहाँ पे आप आसानी से निकल नहीं सकते हो, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर। ये देखिए स्टेशन, अब आपको यहाँ से कोरोना आने से पहले ये हाल रहता था कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, चाहे रात हो या दिन, पैसेंजर्स भरे रहते थे ट्रेन। ये सेंट्रल है और जबकि यहाँ पे पर डे का 3,000 से 4,000 ट्रेन आना जाना का लगा रहता था, मगर अब तो बहुत कम हो गया है। अंधेरों में हम लोग निकल पड़े हैं, कानपुर की कौन सी गली किस जगह जाती है उस जगह आपको ले चलते हैं। और आप लेट नाइट कभी आपका पेट कहता है कि मुझे भूख लगी है, तो उसको उस भूख को कहाँ मिटा सकते हैं, वो जगह भी आपको दिखा देंगे। कानपुर का ऐसा शहर है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, पेट है भरना आपका। तो हम लोग आज ये रात को निकल पड़े हैं आपको बताने के लिए, यहाँ किसी भी टाइम सब कुछ मिल सकता है यहाँ खाने पीने के लिए। ये हम लोग ये जो चौराहा है इसको टाटमी चौराहा कहते हैं, ये बेसिकली सारा ट्रांसपोर्ट का जितना भी बस वगैरह का होता है वो ये मेन जगह है उस चीज की। इस चौराहे से अगर आप राइट ले लोगे तो कानपुर का बस स्टेशन आ जाएगा, जिसको जगत कैटी कहते हैं, बहुत मशहूर है। और सीधे काशी बाई का हमारा ससुराल है, काशी बाई को बहुत इज्जत मिलती है। और ये हम लोग लेफ्ट मुड़ गए हैं, अब ये लेफ्ट से हम लोग जा रहे हैं कानपुर स्टेशन के कैंट साइड वाले। अभी जो आपने साइड देखी, जो सोहेल ने आपको दिखाया, सिटी साइड है, मगर जो आपने दिखाया, जो सोहेल ने भी आपको दिखाया वो थी सिटी साइड। अब हम लोग जा रहे हैं आपको कैंट साइड पे लेके स्टेशन। ये सब दिवाली की वजह से सजा हुआ है, शहर की खूबसूरती बढ़ाता है। हर शहर का नियम होता है कि जहाँ भी स्टेशन होता है उसके आसपास होटल बहुत होते हैं, क्योंकि लोग आते जाते हैं अलग अलग जगहों से, उनको रुकने के लिए जगह चाहिए होती है। तो यहाँ भी बेसिकली बहुत से होटल इस रोड पे आपको दिखेंगे, जहाँ पे आप आराम से सस्ते आपको रूम्स वगैरह मिल जाते हैं, 500-600 रुपये में भी आपको रूम रहने के लिए मिल जाएगा। और लगता है हमारे सुहेल भाई को ठंड लगने लगी है, जब भी वो पीछे आके बैठ गए हैं, लेकिन किस तरह से वो हाथ मल रहे हैं, जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है। एक खास बात है हमारे प्रदेश की और हमारे शहर की कि यहाँ पर आपको मतलब हर सीजन का मजा मिलेगा, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात, आपको हर सीजन यहाँ मिलता है। यूपी एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान का। अब आप जैसे देख रहे हो साइड में आपको छोटी छोटी दुकानें हैं, खाने पीने की हर चीज आपको यहाँ पर खुली मिल जाएगी। रात बिरात कभी कुछ भी आपको भूख वगैरह लग रही हो, आप स्टेशन के पास आ जाओ, आपको अच्छी चीजें खाने को मिल सकती हैं, जिससे आपका पेट आराम से भर जाएगा और आपके पसंदीदा चीजें मिलेंगी। लोग अक्सर कहते हैं कि स्टेशन के बाद ये चीजें अच्छी नहीं होती। अब आपको स्टेशन के अंदर एंटर करके दिखाते हैं, इधर से तो बंद है, आगे तो चलती घर से बंद। हम लोग ये पहुंच चुके हैं एक नंबर स्टेशन, जो मेन गेट है और जो सिटी वाला था वो इनका बैक साइड होता है। बेसिकली एक नंबर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक नंबर का प्लेटफॉर्म इधर की तरफ से होता है, ये मेन साइड होती है, कैंट साइड है। ये है हमारे कानपुर का स्टेशन, सेंट्रल है ये, और यहाँ पे हर स्टेट से ट्रेन आती और जाती हैं। ये इसका फ्रंट है, स्टेशन का फ्रंट व्यू यही है, और यहाँ पे ऑटो वाले इंतजार में रहते हैं अपनी सवारियों के, कि रात में जिनको भी अपने घर जाना हो आना हो बहुत सेफ्टी के साथ पहुँचाते हैं। क्या भीड़ हुआ करती थी यहाँ पर, मगर कोरोना की वजह से सब भीड़ समेट गई है। चले नैनीताल टिकट बुक करें। काशी भाई कह रहे नैनीताल चलने को, यहाँ खुद नैनीताल हो रहा है और हम लोग के वाहन रुक गए हैं यहाँ पर। सर्दी इतनी हो रही है कि जिसका अंदाजा ही नहीं था। हाँ, ये भाई कहीं जा रहे हैं, लेकिन इनको देख के आप समझ सकते हैं कि सर्दी बढ़ती जा रही है। कहाँ जा रहे हो?
यहाँ पे हर व्यक्ति ऐसा आता है जो अपने घर को ही जा रहा होता है या घर के लिए आ रहा होता है। आप जब जैसे ही स्टेशन के गेट से निकलेंगे तो ये सामने कैंटोनमेंट एरिया, आप ऊपर बोर्ड भी देख सकते हैं, और ये पूरा रोड चहलकदमी बनी रहती है रात भर। ऐसे ही जो शॉपकीपर्स हैं उनकी ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं, मगर शॉप्स क्लोज नहीं होती हैं। देखिए हम लोग डेली यहीं पर आते हैं और आज भी आज आपको लेकर आए हैं अपने साथ। ये हमारा स्पेशल अड्डा है चाय का, और हम यहाँ पर रुके हैं। ये भाई छुप के चाय पीने आए, ये आज अकेले अकेले आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं, कुछ मुंह काला करा के आए क्या? ये ना स्मार्ट भाई है मेरा, कानपुर में बोलिए। देखिए जो भी बोलिएगा बहुत सोच समझ के बोलिएगा, आपको बहुत जनता देखने वाली है। और ये हमारे साजिद भाई की दुकान है जहाँ हम अक्सर आया करते हैं। ये भाई हमारे रात भर सेवा करते रहते हैं। टीके पान शॉप, जो खा ले वो हमेशा टिक जाए। सर्दी बहुत है तो हम आपको यहाँ पर जो हम अक्सर रात में आके रुकते हैं और चाय का मजा लेते हैं, तो अभी यहाँ पे हमारे कितने कितने लोग हो गए भाई, सबकी चाय बोली जाएगी क्या? छह लोग हो गए। अरे भंडारे छह चाय रहेंगी। और ये हमारे चाय वाले भैया अक्सर रात को ये सेवा में तत्पर रहते हैं। ये देखिए नमक पारो की तैयारी हो रही है और ये चाय तैयार है, चाय चढ़ी हुई है अपने शबाब पर। और भी बहुत कुछ यहाँ खाने को मिल सकता है अगर आप यहाँ रात में गुजरे इधर से। ये देखिए सब नमकीन भरा हुआ है, और ये छोला है जो समोसों में ऊपर से डाल के दिया जाता है, और जलेबी भी तैयार है रात में। ये देखिए अंकल हमारे लगे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमात्मा। परमात्मा भाई, परमात्मा अंकल है हमारे ये बिलाल, और बहुत मेहनत करते हैं, अक्सर रात को हम लोग को यहीं पर मिलते हैं। देखिए इनके काटने का तरीका, नमक पारा किस तरह से बनाया जाता है। चाय और नमक पारे का रात का जो मजा है वो अलग ही है बिल्कुल। आगे बढ़ो थोड़ा, सर्दी बहुत है और चाय हमारे पास चल के आ गई है, उठाइए भाई। हमारी भी कोई शख्स पकड़ ले चाय। ये रात का और सर्दी और चाय, ये कॉम्बिनेशन बेजोड़।